चाहते हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। हम चाहते हैं 120 बी का मुकदमा जिलाधिकारी हर्ष त्रिवेर कुमार के खिलाफ। और हाथरस की बेटी को लेकर न्याय के संबंध में कोतवाली क्षेत्र के गांधी पार्क में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि आपको बता दें, जिसकी अगुवाई दौलतराम एडवोकेट ने करी, सुबह से ही पुलिस व्यवस्था मौजूद चाक चौबंद कर दिए गए थे। जिला प्रशासन ने कोई भी कोताही नहीं रखी थी गांधी पार्क में, ताकि किसी प्रकार का कोई भी विरोध प्रदर्शन करते समय समस्या उत्पन्न हो सके। लेकिन विरोध करने वालों का ये मंशा थी कि हम पूरा काफला कलेक्टेड ले जाएं, लेकिन अंत में दौलतराम का ये कहना था कि जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, अगर मेरा ज्ञापन लेने यहीं आ जाते हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे। और इसी बीच अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये भी कहा कि बड़े शर्म की बात है, इतनी सारी संख्या में आदमी इकट्ठा हुए। जितनी ज्यादा तादाद में आना चाहिए उतनी तादाद में नहीं आए। हमारा 2000 सफाई कर्मचारी नगर गांव पंचायत में काम करता है। 2000 लोग अगर हम इकट्ठा कर ले 2000 वो हो जाएगा। 1000 लोग नगर निगम साझापुर में आकर लोग काम करते हैं। यहाँ इकट्ठा हो ले पूरे जिले की हमारे काम करने वाले खाली सफाई कर्मचारियों की संख्या 4000 है। अगर उनके घरों पर दो दो लोग आ जाएंगे तो 8000 लोग हो जाएंगे। एक एक घर का दो आदमी नहीं निकल पाएगा। हम नहीं सब जिला पाए, हम नहीं इकट्ठा हो पाए, हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम लड़ाई कानूनी लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी निगरानी में जांच करवाएंगे। हम हाई कोर्ट में जाते हैं। हमसे कल डीएम साहब कप्तान साहब पूछ रहे, किसी भी आई जांच हो गई, पुलिस कप्तान निलंबित कर दिया गया, सीओ को निलंबित कर दिया, भाग के प्रभारी इंस्पेक्टर थाना चंदप्पा हाथरस को निलंबित कर दिया। मैंने कहा जिलाधिकारी ने क्या है, जिलाधिकारी लात मारता है, जिलाधिकारी उसके परिवार में जाकर बैठकर धमकाता है, जिलाधिकारी कहता राजीनामा कर लो, मीडिया पर चली जाएगी, हम यही रहेंगे, हम तुमसे निपटेंगे। हालांकि दौलतराम ने गांधी पार्क में जमकर विरोध जताया, और विरोध जताने के साथ साथ मनीषा के साथ जो जो दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई, जो जो हमले हुए, विस्तार से बताया दौलतराम ने क्या कुछ हुआ। आइए हम सुनवाते हैं आपको। घटना हुई 14 तारीख को, मैं घटना शाम की समझ रहा था। माँ ने बताया राम आने की घटना सवेरे 9 बजे की। बेटी मेरे साथ गई, इस तरह से गरिंदों ने पकड़ा, बलात्कार किया, गर्दन तोड़ी, कमर तोड़ दी गई, उसकी जीप काट ली गई और बाजरे के खेत में मरा समझकर छोड़ दिया गया। उसकी माँ ने बताया दर्द कितना भयानक है, कितना गंभीर है, ये कौन के लोग नहीं समझ रहे हैं, आज घरों में लेटे हैं, हमें घर बुलाया गया, हमने घर कहा कप्तान। हालांकि दौलतराम एडवोकेट का ये भी कहना था, बर्खास्त करने के साथ साथ जिला अधिकारी के ऊपर 120 बी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। निलंबित नहीं किया गया, हम चाहते हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। हम चाहते हैं 120 बी का मुकदमा जिलाधिकारी हर्ष त्रिवेर कुमार के खिलाफ कायम हो। 120 एक साजिश होती है, वो अपराध में। और इसी बीच जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के साथ में पुलिस अधीक्षक एस आनंद भी पहुंचे गांधी पार्क में ज्ञापन लेने के लिए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय आ गए हैं, और मैंने डीएम को थोड़ा दूरी बना लीजिए, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, हमने अभी शांत हो जाइए यार, अनुरोध किया था। मैं समझ रहा हूँ डीएम साहब बहुत जल्दी में है, डीएम साहब की बड़ी व्यस्त लाइफ है और ये दलित इसके दुख दर्द को समझ लीजिए डीएम साहब। मैं जब आपकी समझाने की जरूरत है आपको, आप खुद समझ रहे हैं, इसको न्याय दिलाने के मनीष साहब को न्याय दिलाने के बाद के लिए ये ज्ञापन है। हमारा कोई साथ नहीं है जुलूस निकालने का, ये जिला प्रशासन भी हमारे साथ में है, हमारी मदद कर रहा है, हमारे साथ में जिला प्रशासन, जिला के कप्तान साहब आ गए हैं। और ज्ञापन लेने के बाद जिला अधिकारी द्रविक्रम सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक रवाना हो गए अपने ऑफिस के लिए।